नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। कश्मीरी पंडित, वो शब्द जिससे जम्मू कश्मीर की सियासत शुरू और खत्म होती है। हब्बा कदल, कश्मीरी पंडितों का वो इलाका जहां वो कभी बहुसंख्यक थे, फिर अल्पसंख्यक बने और अब गिनती के रह गए हैं। वापसी के वादों और तमाम दावों के बावजूद 10 साल बाद हो रहे चुनावों को लेकर कश्मीरी पंडितों में खास उत्साह नजर नहीं आ रहा। वो सिर्फ इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि चुनी हुई सरकार में शायद उनकी सुनवाई ज्यादा हो। वो कुछ दिनों की शांति के बाद होती आई अनहोनी के डर को मन से निकाल अभी तक नहीं पाए हैं। अहम बात यह है कि लक्षित हत्या जैसा खौफनाक मंजर देखने वाले हिंदू मुसलमानों के मन में एक दूसरे के प्रति अपनापन और विश्वास अभी नजर नहीं आता है। हब्बा कदल की ओर बढ़ते ही पुल और बीजेपी की झंडियां नजर आती हैं। आगे दुकानों पर एनसी और पीडीपी की झंडियां दिख रही हैं। यहीं मिले सीमेंट कारोबारी मीर शफीक अहमद कहते हैं कि कश्मीरी पंडित पहले ज्यादा तादाद में थे, आतंकवाद के चलते पलायन कर गए, अब वो गिनती के बचे हैं। मीर कहते हैं कि यहां जो पढ़े लिखे दिख रहे हैं वो पंडितों की बदौलत ही हैं। वो पढ़े लिखे थे, हमने भी जो कुछ पढ़ा उन्हीं की बदौलत पढ़ा। पंडितों की वापसी के सवाल पर मीर अनिश्चित से हैं। कहते हैं कि ज्यादातर मकान लोग यहां से बेचकर चले गए, कभी कभी घूमने आते हैं तो भावुक हो जाते हैं। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अगुवा संजय टिक्कू कहते हैं कि कश्मीरी पंडित दो तरह के हैं, एक जो लक्षित हत्याओं के बाद पलायन कर गए और दूसरे वो जो इसके बावजूद यहीं पर डटे हुए हैं। पिछले 35 सालों में अलगाववाद और आतंकवाद का सबसे विभत्स दृश्य देखने और झेलने वाले वो हम ही लोग हैं। बात करते करते वो भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि सभी इनके आंसुओं पर सियासत करते हैं। हम कश्मीर से दिल्ली तक नेताओं से मिलते मिलते थक चुके हैं, कुछ खास नहीं हुआ। हमें चुनावों से कोई उत्साह अब नहीं दिखता। जो पंडित कश्मीर में है भी उनके बच्चे बाहर जा रहे हैं और लौटना नहीं चाहते। यही हाल रहा तो 10 सालों में घाटी पंडित विहीन हो जाएगी। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अगुवा संजय टिग्गू आगे बताते हैं कि मार्च 1999 से सितंबर 2022 तक 720 कश्मीरी पंडित लक्षित हत्या के शिकार हुए। एक वक्त था जब हब्बा कदल में हिंदू मुसलमान का अनुपात 65 यहां अनुपात 35 हुआ करता था। गणपतियार से फतेह कदल तक 30,000 से 35,000 पंडित परिवार हुआ करते थे, लेकिन आज महज 35 परिवार बचे हैं। पूरे कश्मीर में 78,000 परिवार हुआ करते थे। 3.2 लाख आबादी थी। 1992 के बाद से ये लगातार कम हुई। अब यहां 768 परिवार और करीब 2700 से 2800 लोग ही बचे हैं। बाकी जम्मू, दिल्ली और जहां जगह मिली ही पलायन कर गए। कई के सेब के बाग काट डाले गए, जमीन पर कब्जे हो गए, कई औने पौने दाम पर जमीन और घर बेचने को मजबूर हुए। 61 साल के शफीक अहमद मीर बताते हैं कि पहले मासूम लड़कों को बरगला कर आतंकवाद में झोंक दिया जाता था, पैसे देकर उनसे पत्थरबाजी कराई जाती थी। ऐसे अलगाववादियों को बंद करने के बाद माहौल में सुधार आया। लोग समझ गए हैं कि अलगाववादी सारा खेल पैसे के लिए कर रहे हैं, जो आजादी के लिए कहा जाता था वो सब बकवास था। मीर कहते हैं कि अब हड़ताल के चलते दुकानें बंद नहीं होती, डर का माहौल खत्म हो चुका है, पर्यटक भी खूब आ रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं। हम इसी माहौल को आगे चाहते हैं, इसीलिए 1987 के बाद पहली बार परिवार सहित यहां वोट करने जा रहे। स्थानीय युवा उवैस अहमद कहते हैं कि जो बदलाव दिख रहा है वो खामोशी वाले हैं, पत्थरबाजी गुस्से के कारण थी, काम धंधा कुछ नहीं, वहीं गुस्सा बाहर आ जाता था। आज युवा भी बेरोजगारी से परेशान है, उसका गुस्सा बाहर नहीं आ पा रहा, अंदर लावा पनप रहा है, कब फटे ये कोई नहीं जानता। ओएस कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में लोगों को नौकरी से लगातार निकाला जा रहा है, लोग ड्रग्स लेने लगे हैं, गोली से एक मरता है, ड्रग्स से 10-10 युवा मर रहे। इस सीट पर 16 प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने कश्मीरी पंडित अशोक कुमार भट्ट को, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 बार विधायक रही शमीमा फिरदौस और पीडीपी ने
आरिफ इरशाद लाई गुरु को अपना उम्मीदवार बनाया। लोजपा ने भी पंडित को यहां से टिकट दिया। एक पंडित उम्मीदवार निर्दलीय भी है। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी और पीडीपी के बीच त्रिकोणीय लड़ाई मानी जा रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी नंबर दो पर रही थी। हबा कदर में 92,000 मतदाता हैं, इनमें से करीब कश्मीरी पंडित 29,000 हैं, यानी कि इनमें से भी यहां रहने वाले केवल 35 परिवार ही हैं, बाकी बाहर के हैं। माइग्रेंट वोटर उधमपुर, जम्मू और दिल्ली के विशेष मतदान केंद्रों पर वोट डालेंगे। कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि उनके और मुसलमानों के बीच स्वस्थ संवाद शुरू हो। उन मुस्लिम परिवारों की भी चिंता हो जिन्होंने हिंसा के दौर में अपने बेगुनाह परिजनों को खोया है। जो परिवार डाउनटाउन से अपटाउन में आए हैं उन्हें भी ट्रांजिट कैंप में शामिल किया जाए। उन 700 बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाए जो पढ़ लिख कर घूम रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।